Hello friends, welcome back to Aliya Gupta. Today we will study a new topic, potential difference. अब एक कॉपर वायर में करंट अपने आप तो फ्लो नहीं करेगा. What makes the charges flow? चार्जेस अपने आप फ्लो तो नहीं करेंगे. Let's understand it with the help of an example. अगर एक वाटर की पाइप है, अब उसमें से वाटर ऑटोमेटिकली तो फ्लो नहीं करेगा. मुझे एक टैप या वाटर का सोर्स अटैच करना होगा उससे जो एक हाइट पे है ग्राउंड से, ताकि एक प्रेशर डिफरेंस मेंटेन हो. वाटर विल मूव फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर. तो जब एक दोनों एंड्स ऑफ द पाइप पे प्रेशर डिफरेंस मेंटेन हो जाता है, देन वाटर विल फ्लो. सिमिलरली अगर इलेक्ट्रिक प्रेशर डिफरेंस एक वायर या कंडक्टर के दोनों एंड्स पे मेंटेन हो जाता है, तो फिर इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करेंगे, और उस इलेक्ट्रिक प्रेशर डिफरेंस को हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस. वो जो इलेक्ट्रिक प्रेशर डिफरेंस होता है, इट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस. इसे हम डिनोट करते हैं वी से या फिर पी डॉट डी, पोटेंशियल डिफरेंस. अब पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन कैसे करते हैं? वेरी सिंपल. पिछले ट्यूटोरियल्स में हमने देखा था पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करने का सबसे इजी तरीका है कि हम सर्किट में एक सेल या बैटरी लगा दें. अब वो सेल या बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस कैसे मेंटेन करती है? अब जो सेल या बैटरी होती है उसमें केमिकल होते हैं जो एक केमिकल रिएक्शन करते हैं जिससे पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन हो जाता है, और दैट सेट द चार्जेस एट मोशन. लाइक सपोज ये एक सेल है, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल और ये इसका नेगेटिव टर्मिनल. अब देखिए इसके अंदर केमिकल्स हैं जो केमिकल रिएक्शन करेंगे जिससे ये एक सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करेगा और चार्जेस को सेट कर देगा मोशन पे. सेट द चार्जेस एट मोशन. और मूविंग चार्जेस को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट. तो पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशंस, पहले तो इट इज द इलेक्ट्रिक प्रेशर डिफरेंस. इलेक्ट्रिक प्रेशर डिफरेंस या फिर इट इज द डिफरेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स. डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स, या फिर इसका एक फॉर्मूला है V इज इक्वल टू W अपॉन Q. मतलब इट इज द वर्क डन रिक्वायर्ड टू ब्रिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर. इसकी SI यूनिट है वोल्ट. SI यूनिट है वोल्ट. Unit volt. It is named after Sir Alessandro Volta. तो हम कह सकते हैं 1 volt equal to 1 joule upon 1 coulomb. ठीक है? अब 1 volt होता क्या है? 1 volt क्या होता है? 1 volt is when 1 joule of work done is required to bring 1 coulomb of charge from one point to the other. इसे हम मेजर करते हैं वोल्ट मीटर से. वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल. उसका हमेशा हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए ताकि नेग्लिजिबल करंट उसके थ्रू फ्लो कर सके और हमें वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस की नियर एक्यूरेट वैल्यू मिल सके. इस वोल्ट की वजह से ही पोटेंशियल डिफरेंस को कई बार वोल्टेज भी कहा जाता है. इसे हम कभी कभार वोल्टेज भी कह देते हैं बिकॉज ऑफ वोल्ट. Now let's understand it with the help of an example. अब देखिए हमें पता है कि इंडिया में जो मेंस का सप्लाई होता है उसका पोटेंशियल होता है 220 वोल्ट और ग्राउंड पोटेंशियल होता है 0 वोल्ट. हमें पता है कि अगर हम किसी बिजली की तार को पकड़ के खड़े हो जाते हैं तो हमें बहुत तेज करंट पड़ता है, लेकिन अगर कोई चिड़िया उस पर बैठती है तो उससे करंट नहीं लगता. ऐसा क्यों होता है? चलिए देखते हैं.
अगर हम तार को पकड़ के खड़े हो जाते हैं, तार का पोटेंशियल है 220 वोल्ट और ग्राउंड पोटेंशियल है 0 वोल्ट। अब अगर हम जमीन पे खड़े और हमने तार पकड़ ली, तो फेयर करंट 220 वोल्ट यानी 0 वोल्ट, 220 वोल्ट यानी हायर पोटेंशियल से 0 वोल्ट यानी लोअर पोटेंशियल में फ्लो करेगा। तो हमें 220 वोल्ट माइनस 0 वोल्ट यानी 220 वोल्ट का एक शॉक पड़ेगा। पोटेंशियल ऑफ वायर इक्वल टू 220 वोल्ट, पोटेंशियल ऑफ ग्राउंड इक्वल टू 0 वोल्ट। 220 माइनस 0, 220 वोल्ट का हमें करंट लगेगा। वेल इन केस ऑफ बर्ड, बर्ड तार के ऊपर बैठी है, तो बर्ड की बॉडी का पोटेंशियल भी जो है वो 220 वोल्ट हो गया। तो वायर का तो 220 वोल्ट ही रहेगा और बर्ड की बॉडी का भी 220 वोल्ट हो गया, क्योंकि वो ग्राउंड पे नहीं है, वो तार पे ही बैठी है। तो 220 वोल्ट, 220 माइनस 220 यानी 0 वोल्ट, तो 0 वोल्ट है पोटेंशियल डिफरेंस। अब करंट के फ्लो करने के लिए सबसे मेन कंडीशन क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस है 0 वोल्ट। सो करंट फ्लो नहीं करेगा और बर्ड को एक इलेक्ट्रिक शॉक नहीं पड़ेगा। एक क्विक रिव्यू लेते हैं। इस केस में वायर का पोटेंशियल 220 वोल्ट, ग्राउंड का पोटेंशियल 0 वोल्ट, तो हमें 220 माइनस 0 यानी 220 वोल्ट का करंट लगेगा, बिकॉज करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इस करंट ने हमारी बॉडी को करंट कंडक्टर समझ लिया। बट हियर इन द केस ऑफ बर्ड, वायर का पोटेंशियल 220 वोल्ट रहेगा, पर जो बर्ड है वो वायर के ऊपर ही बैठी है, तो उसकी बॉडी का पोटेंशियल भी 220 वोल्ट, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 0 वोल्ट। करंट फ्लो करने की मेन कंडीशन क्या है? कि पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस है 0 वोल्ट, तो करंट फ्लो नहीं करेगा, सो बर्ड विल नॉट गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेस वीडियो। कीप लाइकिंग, कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप सजेस्टिंग हाउ कैन आई मेक द वीडियो बेटर। And thanks for watching. Keep watching Aliya Gupta. Have a great day. Bye-bye.